स्कूल नव भारती पीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। पहले की क्लास में आपने वैयक्तिक भिन्नता के बारे में सुना था। आपने वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है और एक शिक्षक के लिए वैयक्तिक भिन्नता को आंका जाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने वैयक्तिक भिन्नता के बारे में आपको बताया था कि वैयक्तिक जो भिन्नता होती है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या बताया था? इंट्रा। क्या बताया था? इंट्रा। और दूसरा बताया था इंटर। इंट्रा का मतलब मैंने आपको बताया था अपने अंदर मानसिक व शारीरिक गुणों में विभिन्नता का होना। आप जानते हैं एक जो बच्चा होता है जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है लेकिन उनकी मानसिक बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है, वैसे ही आपने ये भी देखा होगा कि जो हष्टपुष्ट होता है उसकी शारीरिक शक्ति अच्छी होने के बावजूद भी मानसिक शक्ति जो होती है वो कमजोर होती है। अब आप आगे देखो, इंटर का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि मानसिक व शारीरिक गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना ही इंट्रा होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मानसिक शारीरिक संवेगात्मक बुद्धि अभिवृत्ति अभिरुचि इन सब में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके अलावा गामक संबंधी क्रियाएं, इनमें भी आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। सामाजिक विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत भिन्नता के आगे के टॉपिक्स को पढ़ाऊं तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए आगे ये है कि व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसको प्रभावित कौन करता है, कि हर व्यक्ति का वातावरण, वंशानुगत, शैक्षिक स्थितियां, कई ऐसी चीजें होती है जिससे हमारा क्या प्रभावित होती है, व्यक्तित्व प्रभावित होती है। और हर व्यक्ति अलग होता है वो क्या है, तो ध्यान से देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित कौन करता है वो आप ध्यान से देखें। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित सबसे पहले करता है वंशानुक्रम। ये मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, थोड़ा एक बार और डिस्क्राइब कर देती हूँ, ध्यान से सुने। वंशानुक्रम, आप जानते हैं कि जन्म का, आप ये भी जानते हैं शारीरिक संरचना, आनुवंशिकता, रंग रूप, इन सब का प्रभाव वंशानुगत होता है कि हर बच्चा अपने माँ बाप से कुछ वंशानुगत या जन्मजात चीजें लेकर के पैदा होता है। आपने ये भी सुना। नेक्स्ट जो आता है वो है वातावरण। वातावरण की अगर हम बात करें तो वातावरण का असर बालक पर होता ही होता है या हर व्यक्ति पर होता है। जो व्यक्ति गर्म इलाके में रहता है, एक विषम जलवायु में रहता है और एक सम जलवायु में रहता है, उसका उसके व्यक्तिगत जीवन पर काफी असर पड़ता है। आप जानते हो अगर व्यक्ति सम जलवायु में रहता है तो वो क्या होगा, सम जलवायु में रहने वाला व्यक्ति अच्छा होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होगा, शांत स्वभाव का होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। आगे देखिए, तीसरा है आपका कौन सा, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया और आर्थिक स्थिति। अगर बच्चे के परिवार की स्थिति अच्छी है, आर्थिक रूप से वो सबल है, तो उसका मानसिक विकास पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसमें वो बच्चा अलग होगा, और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो बच्चा अलग होता है। आगे देखिए अपन शैक्षिक परिस्थितियां। अगर बच्चे को शैक्षिक वातावरण अच्छा उपलब्ध करवाया जाएगा, प्रतिभाशाली बालक को उत्तम संसाधन उपलब्ध करवाया जाएगा,
बालक बहुत अच्छा जाएगा और हर बच्चे में एक भिन्नता मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। फिर उसके बाद आता है शैक्षिक वातावरण के बाद प्रजाति का असर। प्रजाति का असर भी होता है, प्रजाति, नस्ल, इन सब का भी व्यक्तिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिक जीवन को कौन कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, बोलो, वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक वातावरण और प्रजातीय, प्रजाति संबंधी विविधताएं भी इसको प्रभावित करती है। उसके बाद जो आता है बच्चों, वो देखते हैं ध्यान से। अब आपने ये देखा कि व्यक्ति विभिन्नता को हमने किस तरीके से प्रभावित किया, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। तो हम ऐसे कौन सी परिस्थितियां लेकर आए कि बच्चे में व्यक्ति भिन्नता के आधार पर उनका उत्तम विकास किया जाए, ऐसा कौन सा वातावरण पैदा करे जिससे बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से विकास हो सके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो देखो ध्यान से, आप जानते हैं कि व्यक्ति जो विभिन्नता है उसके लिए हम क्या प्रयास, शैक्षिक प्रयास। व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे कौन से प्रयास कर सकते हैं ताकि हम उनको उत्तम शिक्षण उपलब्ध करवा सके। तो सबसे पहले हमें उनकी योग्यता का क्या करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग्यता का आकलन करना पड़ेगा। योग्यता, आप जानते हैं कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, इसको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। बच्चे की योग्यता का आकलन करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हर बच्चे में, कई बच्चे सृजनात्मक होते हैं, कई बच्चों में प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो अलग अलग टाइप के जो बच्चे हैं उन सब में क्या क्वालिटी है। कई बच्चे रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, रचनात्मक क्रियाएं करते हैं, कोई बच्चा गणित में अच्छा होता है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा होता है, कई बच्चा साइंस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेता है। तो उनको उनकी योग्यता क्या है इसका आकलन शिक्षक को, हर विद्यार्थी का होना ही चाहिए। उसके बाद होता है पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए। इनको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते जाना ताकि तुम्हारे शॉर्ट जो नोट्स है वो तैयार होते जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आप एक शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है, ये बीएड पार्ट सेकंड, सेकंड ईयर का जो ये पार्ट है उसमें ये जो आपके टॉपिक्स है इनको आप कॉपी में लिखते जाना, और लिखते जाओगे तो आप शॉर्ट नोट्स जो है आपके तैयार हो जाएंगे और जब भी आप बुक्स को पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ माइंड में रहेगी और इस क्लास का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो योग्यता का आकलन करेंगे और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। आपको जानते हो कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, अगर उनकी प्रतिभा को निखारना है तो उनको विशिष्ट संसाधन आपको उपलब्ध करवाने ही होंगे। इसके अलावा जो मंदबुद्धि है या औसत से कम है उनको भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए अलग से कक्षाएं लगाएं, मंदबुद्धि बालकों के लिए भी, और जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमें अलग अलग कक्षाएं लगानी होगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमारा दूसरा प्रयास होगा कि हम विद्यालय में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए। उसके बाद आते हैं कक्षा का आकार सीमित, कक्षा का आकार सीमित। अगर हम चाहते हैं कि हर बच्चे की व्यक्तिक रिपोर्ट का हमें पता रहे, हर बच्चा व्यक्तिक रूप से कैसा है, तो इसके लिए कक्षा में 25 से 30 के बीच में ही विद्यार्थी होने चाहिए, क्योंकि एक टीचर का ज़्यादा बच्चों की व्यक्तिकता का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जितना कक्षा का आकार सीमित होगा व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान उतना ही ज़्यादा लगाया जा सकता है। तो हमें कक्षा के आकार को क्या रखना पड़ेगा, सीमित रखना पड़ेगा। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा जो है उचित वातावरण उपलब्ध करवाना। क्या उपलब्ध करवाना? उचित वातावरण
उपलब्ध करवाना। हमें क्लास में इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है ताकि औसत से कम और औसत से ज्यादा दोनों ही विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके। क्यों? हम जानते हैं प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक स्थिति या मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो जल्दी सीख जाता है और जो औसत से कम है वो धीरे धीरे सीखता है। तो हमें कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना है ताकि दोनों स्थितियों वाले बच्चे जो है आसानी से कक्षा में पढ़ सके। तो हमें उचित वातावरण को क्या करवाना होगा? उपलब्ध करवाना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा भी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर हम विशेष प्रशिक्षण की क्या कर सकते हैं? विशेष प्रशिक्षण की क्या कर सकते हैं? व्यवस्था कर सकते हैं। इससे भी बच्चा क्या होगा, उसकी व्यक्तिता का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा हमें कैरिकुलम एक्टिविटी सह शैक्षिक क्रियाएं आयोजित करवाना। इसके अलावा प्रतिभाओं को परखना। हम ऐसी सह शैक्षिक क्रियाएं स्कूल में करवा सकते हैं जैसे संगीत है, खेलकूद है। इसके अलावा भी कई ऐसी एक्टिविटी है, मेहंदी है, मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित करवा सकते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवा सकते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवा सकते हैं। उससे हम कक्षा में पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा निबंध में अच्छा है, कौन सा बच्चा वाद विवाद में अच्छा है, कौन सा बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है, कौन सा बच्चा चित्रकला में अच्छा है। इस आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन कर सकते हैं सह शैक्षिक क्रियाएं आयोजित करवा करके। उसके बाद आता है प्रतिभाओं को परखना। प्रतिभाओं को परखने का वही है कि सह शैक्षिक क्रियाएं जब उपलब्ध करवाएंगे तो हमें हर बच्चे का पता होना चाहिए कि किस बच्चे में क्या क्या प्रतिभा है, किस बच्चे की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, उसका अलग से एक व्यक्तित्व है। तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ये तभी पता चलेगा जब हम ये सब शैक्षिक प्रयास स्कूल में करेंगे। और कई प्रयास हो सकते हैं, इसमें आप अपनी चीजों को भी ऐड कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं कहता है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही पर्याप्त नहीं है, आप अपने एफर्ट्स भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। जैसे 6-7 प्रयास है आपकी बुक में भी है, लेकिन आप अपने माइंड से इसको 10 पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं? तो आज आप यही करेंगे कि ये जो 7 पॉइंट्स है उसको 3 पॉइंट्स ऐड करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैडम ये भी सजेशन हो सकता है, तो देंगे मेरा साथ। तो आज ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इसके बाद आप 3 पॉइंट इसमें क्या ऐड कर सकते हो। अगर अपनी प्रतिभाओं को निखारना है बच्चों तो आप इसके लिए प्रयास करें, बुक्स ले, रेफरेंसेस ले, लेकिन इसके 3 पॉइंटों को ढूंढना ना भूलें। तो देखो शैक्षिक प्रयास क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए? सबसे पहले तो हम योग्यता का आकलन कर सकते हैं, जैसे उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी हम आकलन कर सकते हैं, सह शैक्षिक क्रियाएं आयोजित करवा करके भी आकलन कर सकते हैं। एक है कि प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे औसत बुद्धि वाला बालक हो, चाहे मंद बुद्धि वाला बालक हो, उनको उनकी प्रतिभा या उनके जो स्तर है उसके आधार पर सीखने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन अगर उपलब्ध करवाएंगे तो भी व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन कर सकते हैं। फिर कक्षा के आकार को क्या रखेंगे? सीमित रखेंगे तो हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता का पता हमें चल जाएगा। उसके बाद आता है कक्षा के आकार को सीमित, उचित वातावरण उपलब्ध करवाना। उनको कक्षा में एक ऐसा वातावरण देना ताकि हम देख करके उसको इनडायरेक्ट वे में नोटिस करके उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान कर सके। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें कि कोई मंद बुद्धि बालक है या कोई औसत बुद्धि से कम बुद्धि वाला बालक है, या टीचर्स को भी ऐसी मतलब मोटिवेशनल मान लो या अलग से एक ऐसा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वो व्यक्तिगत भिन्नता का आकलन कर सके। उसके बाद आता है सह शैक्षिक क्रियाएं हम आयोजित करवा करके भी क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिभाओं को परखना। तो आज हमने
बारे में पढ़ा कि व्यक्ति भिन्नता के लिए हम शैक्षिक प्रयास क्या कर सकते हैं। तो व्यक्ति भिन्नता के लिए जो शैक्षिक प्रयास है, हमने क्या क्या किए, हमने ये किए कि योग्यता का आकलन किया, संसाधन उपलब्ध करवाओ, कक्षा के आकार को सीमित रखो, उचित वातावरण को बनाए रखो और प्रतिभाओं को परखे जाओ। तो क्या होगा, व्यक्ति विभिन्नता के लिए शैक्षिक प्रयास किए जा सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो व्यक्ति भिन्नता है उसके आधार पर हमें कौन सी शिक्षा दिया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। आज हमारा समाज विभिन्नताओं वाला देश है। आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं अंधे, बहरे, गूंगे, विकलांग, अंग भंग व्यक्तियों के साथ भिन्नता का व्यवहार किया जा रहा है। और आप जानते हैं प्राचीन काल में तो बच्चों को जो गूंगे बहरे हो जाते थे वो क्रिक, जो कि एथेंस और स्पार्टा की जो जनता थी वहाँ पर उनको मार दिया जाता था। जो मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम होता था उसी को वो लोग जिंदा रखते थे। मध्य काल में भी जो अंधे, गूंगे, बहरे होते थे उनको आत्मा समझकर ग्रहण किया जाता था। लेकिन फ्रांस और अमेरिका आदि देशों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंधे, गूंगे, बहरे इन लोगों के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। आप जानते हैं प्राचीन काल में भारत में महान सम्राट हुआ अशोक। अशोक के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि उसने निशक्त जो जन थे उनके लिए विशेष विद्यालय और उनके लिए आवास गृहों की स्थापना की थी। तो भारत जो कि सोने की चिड़िया जगत गुरु है, उसने कभी भी निहत्ते निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार नहीं किया। और आज हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यही चाहता है कि इन विकलांग, अंधे, गहरे, बहरे जो लोग हैं उनको सिमिलर शिक्षा कैसे दी जाए, क्या किया जाना चाहिए। और उसी पर हमारी पूरी किताब टिकी हुई है कि शिक्षा में ऐसा कौन सा परिवर्तन होना चाहिए या हुआ है ताकि हमारे समेकित शिक्षा, जो ये विकलांग बच्चे हैं, जो अंधे बच्चे हैं, जो गूंगे बच्चे हैं, उनको किस प्रकार ऐसा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो एक सामान्य बालकों के साथ रह सके, उनके साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, आप जानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समेकित शिक्षा। कौन सी शिक्षा है बच्चों, समेकित शिक्षा। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि समेकित शिक्षा क्या है। तो ध्यान से सुनो, इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा क्या है। देखो, समेकित शिक्षा का मतलब यही है कि जो निराश्रित, आश्रित बच्चे हैं वो, वह बच्चे जो हैं निराश्रित, आश्रित बच्चे प्लस सामान्य बालक। ध्यान से सुनना बच्चों, ये तुम्हारी बुक जो है वो इसी समेकित शिक्षा पर टिकी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन का याद होना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है कि समेकित शिक्षा होती क्या है बच्चों। तो देखो, निराश्रित और जो आश्रित बच्चे हैं अगर वो सामान्य बालकों के साथ एक साथ अध्ययन, एक साथ इनको अध्ययन करवाना ही समेकित शिक्षा है। लेकिन ये समेकित शिक्षा एक साथ नहीं आती है। आप जानते हैं पहले गूंगे, बहरे इन लोगों के लिए अलग से विद्यालय थे। स्वतंत्रता से पूर्व को हमारे देश की ये हालत थी कि जो भी ये जो संस्थाएं हैं ना, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो है जिनको बोल सकते हैं सामाजिक संस्थाएं जो कि लोगों की हेल्प करती है, ये लोग ही इन लोगों को, निराश्रित जो अंधे गूंगे बहरे बच्चे हैं इन लोगों को रखते थे और इनके लिए उन्होंने ही प्रयास किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद मानव कल्याण बोर्ड, कई ऐसी संस्थाएं आई जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया और आज हमारे देश में समेकित शिक्षा के लिए प्रयास जारी है। समेकित शिक्षा यही कहता है कि इस प्रकार की शिक्षा जिसमें विकलांग बच्चे जो है वो एक साथ सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर सके। अब सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करने के लिए उन्हें विशेष
विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे देश में पहले एक विशेष प्रशिक्षण विशेष विद्यालय बनाए जाते हैं और जब वो बच्चा उस क्वालिटी का हो जाता है कि वो एक सामान्य शिक्षण ले सके, तो सामान्य शिक्षण लेने तक उसको विशेष विद्यालय में रखा जाता है और फिर उन्हें सामान्य विद्यालय के साथ सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करवाया जाता है, ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करके जीवन की दौड़ को में आगे बढ़ सके। और इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा जो आज प्रयास किया जा रहा है वो समेकित शिक्षा पर ही किया जा रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में संसाधनों की कमी है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में बच्चों को वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती, ताकि विशेष बच्चों को किस प्रकार उनको टीचिंग करवानी है वो प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए कुछ ऐसी कमियां हैं, आज भी समेकित शिक्षा का जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं कह सकते, लेकिन उसके लिए प्रयास जारी है। और आपका जो आरटी अधिनियम शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम थोड़ा सा बचा रही हूँ, कल पढ़ेंगे अपन ये, तो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आरटी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस आरटी अधिनियम में भी साफ कहा गया है कि बच्चों को समेकित शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारा ध्येय है। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में आया और 2010 में लागू हुआ, इस 2010 में शिक्षा के अधिकार ने पिछड़े हुए, दुर्बल, अनाथ, विकलांग सभी की शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। तो बच्चों, आप चाहते हैं कि मैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समेकित की शिक्षा, इन सब के बारे में आपको पढ़ाऊं, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप जितने ज़्यादा व्यूज आप दे सकते हैं मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, मैं इससे और अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगी, आपके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगी, जो भी मेरे नोट्स हैं मैं आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप के थ्रू या नव भारती ग्रुप में आपको मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको पीडीएफ दूंगी, ताकि आप जो है समेकित शिक्षा पर और ये जो बीएड सेकेंड ईयर है उसके इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कर सके। बीएड करना केवल ये नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए, बीएड का मतलब है कि आप पढ़े, ऐसा पढ़े, ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि आप आगामी भविष्य के जो भविष्यकर्ता है, जो भविष्य को बनाने वाले हैं, आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसको सेफ रख सके, उनको पढ़ा सके, उनको ऐसा शिक्षण उपलब्ध करवा सके जिससे कि वो भावी जीवन में आगे बढ़ सके। तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और मैं चाहती भी हूँ कि नव भारती पीटी कॉलेज आपको एक ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करे ताकि आप बहुत आगे जाए, और पता रहे कि नव भारती से आपने शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो कल का जो थर्ड चैप्टर जो आपका चलेगा वो मैं आपको समेकित शिक्षा का जो प्रारंभिक स्वरूप, स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में इसकी क्या स्थिति रही, विश्व में समेकित शिक्षा कहाँ से आई, ब्रेल लिपि क्या है, 1919 में ब्रेल लिपि आई, ब्रेल लिपि के बाद में किस प्रकार शिक्षा में धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हुआ और आज सामान्य बालकों के साथ विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो धन्यवाद, और आप चाहते हैं तो एक बार और कहूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो मैं अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, और नव भारती परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रेणु वैद आपसे यही चाहूंगी कि जो थर्ड चैप्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि हम आगे की क्लास को प्रोसेस में कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।